हाय गाइस, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में। और आज का जो वीडियो है बहुत ही खास उनके लिए है जो एक कॉल सिस्टम अपने ऐप में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखाने वाला हूँ एग्जांपल कि मैं किस तरह का मैं सिस्टम आपको मैं बताने वाला हूँ। तो थोड़ा आप देखिए मैं कैसे इसको मैं अपने मोबाइल को कनेक्ट करता हूँ। मिरर इमेज कर दिया और ये देखिए हमारे पास जो हमारा मोबाइल का स्क्रीन जो है आपके सामने तुरंत यहाँ आ जाएगा। इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। ये देखिए हमारा मोबाइल का स्क्रीन। अब यहाँ मैं सर्च मारता हूँ, देखिए यहाँ दिया हुआ कॉल बटन, या फिर मैं सर्च मारता हूँ कॉल बटन डेमो। यहाँ देखिए इस तरह का आपके सामने इस तरह मिला इंटरफेस। और जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा डायरेक्टली ये जो हमारा है कॉल के जो लॉग है, कॉल के जो ऐप है उसमें मूव कर देगा। वहाँ से डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। इस ऐप में कोई तरह का कॉलिंग परमिशन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इसको ऐड लगा के अब इसको इस ऐप को बनाकर अपना अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो अगर आपको इस तरह का ऐप चाहिए तो नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके आप हमारा पैकेज को भी परचेज कर सकते हो, वो भी बहुत ही सस्ते दामों पर। जैसे मैं क्लिक करता हूँ कॉल नाउ पर, देखिए ऑटोमेटिक क्लिक किया, ऑटोमेटिक आ गया हमारा डिफ़ॉल्ट कॉल लॉग में। यहाँ मैं क्लिक करूँगा कॉल पर तो यहाँ आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। इस तरह का हम कैसे बनाएंगे, इसका सोर्स कोड कहाँ और कैसे इस वीडियो में हम कंप्लीट कॉल सिस्टम को बना सकते हैं, इसका सारा डिटेल आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो हाय गाइस, मैं पवन कुमार, आप देख रहे हैं क्लिप टू कोड यूट्यूब चैनल। अगर आपको इस तरह वीडियो अच्छा लगता है या फिर आप एंड्रॉयड ऐप बनाना चाहते हो तो आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि आपको डेली बेसिस पर एक एक डिफरेंट टॉपिक का वीडियो मिलते रहे। तो सबसे पहले चलते हैं डायरेक्टली अपना प्रोजेक्ट में, ओपन करते हैं प्रोजेक्ट। और आपको बता दूँगा कि ये जो वीडियो स्पेशली मैं कॉपी एंड पेस्ट करने वाला हूँ, इसमें कोई तरह का कोडिंग में नहीं करने वाला हूँ, आपका टाइम में जाया नहीं करने वाला हूँ। सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट करके हम ये सिस्टम को बनाएंगे ताकि आपका जो टाइम है ये बच जाए। एक बार आप अगर आप ये वीडियो कंटिन्यू देख लेते हो तो कहाँ से कॉपी करते हैं, उसका वेबसाइट कौन सा है, किस सोर्स कोड से कैसे कॉपी करते हैं, एक बार समझने के बाद आप डिफरेंट टाइप का आप कॉल लॉग बना सकते हो। तो मैं यहाँ मैं बनाता हूँ न्यू प्रोजेक्ट, लेता हूँ न्यू प्रोजेक्ट। और देखिए मैं हमेशा लेता हूँ यहाँ नो एक्टिविटी, तो इस बार भी लिया नेक्स्ट। यहाँ मैं इसका नाम रखता हूँ कॉल डेमो, ठीक है। मैं इसका नाम रखा कॉल डेमो या फिर कॉलिंग सिस्टम ट्यूटोरियल, ठीक है। इस तरह मैं रख दिया। और सब जो जो सारा चीज़ है एजिटिज है, लैंग्वेज आपको रखना है जावा सेलेक्ट करके जो डिफ़ॉल्ट में आता है। फिनिश पर क्लिक करना है। जब तक ये ग्रेडल फिनिश होता है हमारा ये प्रोजेक्ट, तब तक हम चलते हैं अपना वेबसाइट पर। और कहाँ से हमको ये जो इसका जो ब्लॉग है कहाँ मिलेगा, तो देखिए आपको ज़्यादा दूर जाने जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ आना है क्रोम में, टाइप करना है क्लिक टू कोड डॉट कॉम। जो चैनल आप देख रहे हैं क्लिक टू कोड उसी का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ आना है, एंटर मार देना है। एंटर मारने के बाद देखिए आपके सामने एक क्लिक टू कोड का ऑफिशियल जो होम पेज होता है ये आपके सामने यहाँ खुल के रेडी हो जाएगा। और देखिए अगर आप रिसेंटली में हमारा वेबसाइट ओपन किए हैं तो आपको स्टार्टिंग में ही ये जो हमारा ब्लॉग है मिल जाएगा। अगर आप बहुत दिनों के बाद हमारा वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं तो आपको डायरेक्टली इस वीडियो के नीचे लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली आ सकते हैं, या फिर यहाँ जावा पे क्लिक करके आप यहाँ ढूंढ सकते हो। देखिए जो हमारा इस वीडियो में थंबनेल था वही थंबनेल हमारा वेबसाइट में भी अब ब्लॉग का थंबनेल रहेगा, ठीक है। तो उस पर उससे आप पहचान कर सकते हो। यहाँ क्लिक करना है रीड मोर पर। और ये जो हमारा ब्लॉग है यहाँ देखिए, ये जो ब्लॉग है यहाँ हमारा ओपन हो चुका है। अब चलते हैं हम अपना जो बनाया प्रोजेक्ट, यहाँ देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट है यहाँ कम्प्लीटली अभी ग्रेडल फिनिश नहीं हुआ है। तो जब तक हमारा जो प्रोजेक्ट है ग्रेडल फिनिश नहीं होता है तब तक हमको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा प्रोजेक्ट ही कम्प्लीट नहीं रहेगा तो आप क्या उसमें एडिट कर पाओगे। तो देखिए बहुत ही फास्ट हमारा जो प्रोजेक्ट है ग्रेडल फिनिश हो गया है, और शायद कुछ और चीज़ रहा हुआ जो कि यहाँ फिनिश ले रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको ये वीडियो डिलीवर कर दूँ, जबकि आपको पता है कि हमारा जो वीडियो है रात के 10 बजे या फिर दिन के 10 बजे ही वीडियो लॉन्च करती है। स्पेशली मैं 2 टाइम फिक्स रखा हूँ, अगर मैं रात को नहीं कर पाया तो सुबह कर दूँगा, सुबह नहीं कर पाया तो रात में कर दूँगा। टाइम फिक्स है, 10 बजे ही वीडियो लॉन्च करेगी। तो अगर आपको पास टाइम है 10 बजे सुबह नहीं टाइम है तो 10 बजे रात को देख सकते हो वीडियो। दोनों टाइम कभी ना कभी वीडियो लॉन्च करेगी, और बहुत जल्द ही आपको दिन में 2 वीडियो मिलेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल तो एक ही मिल रही है। बहुत जल्द ही आपको 2 मिलेगी ताकि आपकी नॉलेज को और इम्प्रूवमेंट किया जा सके, ताकि आपके पास नॉलेज एक्स्ट्रा हो और एक्स्ट्रा आप माइंड लगा सकते हैं। जब तक हमारा ये जो प्रोजेक्ट है कम्प्लीटली सिंक नहीं होता है तब तक हमको वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि
बिना सिंक किए हुए आप प्रोजेक्ट में आगे नहीं बढ़ सकते हो। और साथ ही साथ इसमें फिनिश होने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन कंपलसरी है। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं दिए हैं तो आप पहले इंटरनेट कनेक्शन एक्टिवेट करके इसमें एंट्री करवा लीजिए, उसके बाद ही अपना प्रोजेक्ट को ओपन कीजिएगा। अदरवाइज़ आपका जो एरर है कभी नहीं जाएगी। जब तक ये प्रोजेक्ट फिनिश होता था तब तक क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं सीधा इस यहीं में क्लिक करता हूँ। थोड़ा मैं यहाँ क्लिक करने वाला हूँ, क्या इसका जो ऐप का कलर कोड रहेगा वहाँ जाता, तो मैं चलता हूँ डायरेक्ट कलर कोड पर। कोई भी आप कलर कोड कोई चूज़ कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड है, बट मैं स्पेशली बहुत सारे कलर कोड को तो यूज़ नहीं करता हूँ। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप दो ही कलर कोड को यूज़ कीजिए, ज़्यादा 10-15 कलर कोड यूज करने से आपका कुछ अच्छा खासा चीज़ नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो वेबसाइट है यहाँ फ्री में मैं एक्सेस करने वाला हूँ। इसमें चार्ज लगता है, सब्सक्रिप्शन लगता है, बट इसमें मैं फ्री में एक्सेस करने वाला हूँ। और यहाँ आप साइन विथ गूगल के द्वारा आप इसको एक्सेस कर सकते हो, अगर आपको एक्सेस करने मन है तो। मैं आपको ये दिखाने के लिए इसमें एक्सेस कर रहा हूँ, बाद में मैं अपने ईमेल में जाकर इस वेबसाइट का एक्सेस रिमूव कर दूंगा, बट फिलहाल मैं आपको दिखाना है कि हमें कलर कोड कैसे पिक करते हैं और कैसे उठाते हैं और कौन सा कलर कोड बेस्ट रहता है हमारा एंड्रॉयड ऐप के लिए। इसलिए मैं इस वेबसाइट में अपना ईमेल द्वारा साइन इन किया हूँ। और फिलहाल के लिए मैं तो इसको वेब डिजाइनर डेवलपर के नाम से मैं रख दूँगा क्योंकि मैं डेवलपर हूँ। कंटिन्यू माई सेल्फ, इतना ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है किसी वेबसाइट में इंटर करने के लिए, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं आपको तो क्या बोलूँ, इसमें तो मुझे परेशान ही कर दिया। देखिए, एक वेबसाइट खुलने में ये हालत है, तो यार कोड कहाँ से पिक करूँगा मैं। तो फिलहाल के लिए मैं कोड अगर पिक नहीं होता है तो मैं डायरेक्टली, देखिए कोई फ़ायदा नहीं कोड पिक करने से, फिर भी देखता हूँ अगर खुल जाए तो बढ़िया। हमारा जो प्रोजेक्ट है ये रेडी हुआ ही नहीं है, इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। जब हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा तब तक हमारा वेबसाइट को भी ओपन हो जाना चाहिए। अगर ओपन नहीं होती है तो इसको रिमूव कर दिया जाएगा, और फिलहाल रिमूव मैं कर ही दूंगा क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ज़्यादा ही ये डिटेल मांग रहा है, तो उतना मैं देखने वाला नहीं हूँ। कलर कोड डार्ट में लिखने वाला हूँ, ज़्यादा लन फन डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। HTML कलर कोड मैं एक उठाता हूँ, एक कलर कोड जिसका कोड ये है। तो यहाँ देखिए, जब ये उठाइएगा तो कलर कोड जो है इसका उठाइएगा राइट टू लेफ्ट, क्योंकि हमको हैच नहीं लेना है, हैच हमारे वेबसाइट में काफ़ी है। तो देखिए, यहाँ मैं आता हूँ रिसोर्स के अंदर में, वैल्यूज़ के अंदर में और कलर्स के अंदर में। उसके बाद यहाँ इसका जो पर्पल रहेगा प्राइमरी 200, देखिए यहाँ हैच उठ गया था, तो हैच को मैं हटा देता हूँ। यहाँ से कॉपी करता हूँ, पेस्ट पेस्ट, और वापस चलते हैं वेबसाइट पर और एक लेते हैं इसका कलर कोड जो रहेगा वो वाइट रहेगा, या फिर मैं लेता हूँ जो मैच करे, ए मैच करेगा, ठीक है। तो इसको मैच करवाने के लिए हमको ये बढ़िया रहेगा, तो इसी को ले लेता हूँ। कॉपी किया, आया एंड्रॉयड स्टूडियो में और यहाँ टील में फिर से यहाँ कॉपी पेस्ट। देखिए, हमने इतना कर दिया। आप थोड़ा चलते हैं थीम में, क्योंकि हमको इसका एक्शन बार नहीं चाहिए, डिफ़ॉल्ट एक्शन बार, तो यहाँ मैं कर दूँगा नो एक्शन बार, कर दिया। अब उसके बाद चलते हैं जावा के अंदर में और यहाँ राइट क्लिक, न्यू एक्टिविटी, एम्प्टी भी एक्टिविटी लेना है यहाँ, और यहाँ लॉन्चर एक्टिविटी को टिक कर देना है ताकि हमारा ऐप जो इसी लेआउट से लॉन्च होवे, और फिनिश पर क्लिक कर देना है। और यहाँ देखिए, हम इसमें एक ही एक्टिविटी वर्क करने वाले हैं क्योंकि हम हमारे पास एक कॉल बटन है। नेक्स्ट वीडियो हम जानने वाले हैं कि अगर एक लेआउट में मल्टीपल कॉल बटन आता है तो उसको कैसे बनाते हैं, और उसके नेक्स्ट जानने वाले हैं कि अगर हम एक ही लेआउट से पूरा ऐप में कॉल बटन लगाते हैं तो उसका क्या फंडा है, उसको कैसे यूज़ करते हैं। तीन टॉपिक वीडियो आपको लगातार 3 दिन मिलेगा ताकि आपके कॉलिंग सिस्टम पर जो कॉल बटन का फैसिलिटी के ऊपर जो आपके पास डाउट है, कन्फ्यूज़न है, वो कम्प्लीटली हट जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो बनाता हूँ आपके पास सडनली पहुँच जाए और आपको कुछ मैं एक न्यू नॉलेज की तरफ मूव करवा सकूँ।
तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि हमारा जो कॉल सिस्टम जो कैसे काम करता है। बट यहाँ तो अभी तक हमारा जो प्रोजेक्ट है बिल्ड करने में परेशानी कर रही है, मतलब कि थोड़ा सा टाइम ले रहा है। इतना टाइम तो लेना नहीं चाहिए बट ये टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्योंकि जब तक ये कम्प्लीटली कम्प्लीटली ये क्लियर नहीं करता है तब तक हम लोग इस पर एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। देखिए क्लियर हो गया और यहाँ एक्टिविटी हमारा आ गया है। चलते हैं स्प्लिट में, इसको थोड़ा जूम करते हैं, यहाँ आते हैं और इसका लाइव रेंडरिंग ले लेते हैं, और यहाँ शो सिस्टम यूआई को भी ले लेते हैं ताकि हमारा ऐप का जो यूआई है यहाँ कम्प्लीटली शो करे। ठीक है, देखिए शो कर दिया। अब चलते हैं वेबसाइट पर, और वेबसाइट पर देखिए यहीं डायरेक्टली यहीं से क्लिक करता हूँ, क्लिक टू कोड, और ये रहा हमारा क्लिक टू वेबसाइट। यहाँ हाउ टू मेक, देखिए टॉपिक भी सेम है इस वीडियो के जैसा, यहाँ क्लिक करेंगे। अगर आपको ये ब्लॉग नहीं मिल रहा तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारे ब्लॉग पर आ सकते हो। और देखिए यहाँ डायरेक्टली क्या करना है, स्टार्टिंग में दिया हुआ है, इसमें देखिए मैं यूज़ किया हूँ कॉन्सेप्ट लेआउट ताकि हमारा कोई भी मोबाइल डिवाइस में वर्क कर सके, इसलिए हम अधिकांश कॉन्सेप्ट लेआउट को यूज़ किए हैं। बट यहाँ देखिए क्या करना है, इसको अभी यहाँ हम लोग तीन कॉपी करेंगे, कॉपी, चलते हैं प्रोजेक्ट में और इसमें यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये जो हमने कॉपी किया था इसको यहाँ से हटा दें क्योंकि यहाँ डबल कॉपी हो गया। देखिए हमारे पास जो है ये सिस्टम आ गया। अब इतना आने के बाद क्या करते हैं, चलते हैं वेबसाइट पर और इसके नीचे देखिए क्या लिखा है, इसके अंदर में लिखना है एक ठो बनाना है कॉन्सेप्ट लेआउट, तो इसे डायरेक्ट कॉपी करना है, सिर्फ कॉपी और पेस्ट करना है आपको, बट कुछ करना नहीं है, अभी कुछ नहीं करना। देखिए आप देखते ही डायरेक्ट क्या मैं कर रहा हूँ, सिर्फ आप देखिए यहाँ बनाना है एक टूल बार बनाना है बीजी, तो यहाँ कॉपी करना है इसको और हमारे वेबसाइट पर आना है, प्रोजेक्ट में ड्रॉबल के पर राइट क्लिक करना है, न्यू ड्रॉबल रिसोर्स फाइल, अभी जो टॉपिक कॉपी किए थे यहाँ कॉपी का टूल बार, और यहाँ देखिए टूल बार का लेआउट बन गया। और वेबसाइट पर आते हैं और ये जो कोड है इस कोड को कॉपी करते हैं, इसी के अंदर में हम लोग डायरेक्ट सेलेक्ट ऑल और इसको पेस्ट करते हैं, हमारा काम ख़त्म यहाँ, इसके बाद हटाते हैं इसको। अब चलते हैं वापस वेबसाइट पर और फोर्थ में यहाँ क्या है, ये बनाना है, फिर से बनाना है कॉन्सेंट लेआउट। देखिए टोटली चीज़ जो अधिकांश मैं यूज़ कर रहा हूँ कॉन्सेंट लेआउट, डिजाइनिंग करना है तो कॉन्सेंट लेआउट को बनाना ही पड़ेगा, इसके अंदर में हम इसको बनाएंगे कॉन्सेंट लेआउट, बना दिया। वापस वेबसाइट पर चलते हैं और अब उसके अंदर लिखना है क्या है, टैक्स व्यू, तो टैक्स व्यू देखिए यहाँ तक लिखना है, तो यहाँ टैक्स सेलेक्ट कर लिया और इसके अंदर में मैं टैक्स व्यू लिख देता हूँ। यह देखिए हमने यहाँ टैक्स व्यू लिख दिया, तो जैसे ही यहाँ टैक्स व्यू लिखेंगे हम लोग तो हमारे पास एरर आएगा, एरर आएगा कि इसका जो फॉन्ट फैमिली हम अलग रखा था, तो फॉन्ट पर यहाँ क्लिक, फॉन्ट फैमिली के लिए यहाँ यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक, फिर आते हैं एट्रीब्यूट में और यहाँ सर्च करेंगे फॉन्ट, देखिए आ गया फॉन्ट फैमिली, यहाँ आएंगे मोर फॉन्ट में आएंगे और क्या नाम था इसका देखते हैं, अलाटासी, तो अलाटासी में यहाँ क्लिक कर देंगे, ए रहा अलाटासी, ओके, हमारा जो एरर जो है ये यहाँ से हट गया। और देखिए हमारा जो कॉलिंग सिस्टम ट्यूटोरियल जो नाम लिखा रखे थे इस ऐप का यहाँ आ गया। अब उसके बाद चलते हैं अपना, और इसके नीचे हम इसको ऐड करेंगे वेबसाइट से, यहाँ इसको कॉपी किया, आते हैं प्रोजेक्ट में और इस टैक्स व्यू के नीचे इसको ऐड करेंगे, जैसे ऐड कर, देखिए यहाँ जो फंक्शन इसका जो है अलग टाइप के हो गया, तो यहाँ आपको इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है। यहाँ इस तरह हो गया, जब उसके बाद चलते हैं वेबसाइट पर और यहाँ एक व्यू लेते हैं, तो व्यू कहाँ, व्यू ये वर्क कहाँ से करेगा, तो व्यू जो है स्पेशली वर्क करेगा, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये जो व्यू है वे वर्क करेगा कहाँ। देखिए हमने यहाँ लिया था कॉन्सेंट लेआउट तीन तीन टू, तो यहाँ हम इसको हाइड करेंगे यहाँ कॉन्सेंट वन से और इसके नीचे व्यू वर्क करेगा, इसके नीचे यहाँ व्यू दे दिए हम लोग, और नीचे व्यू देने के बाद आते हैं वेबसाइट पर और यहाँ एक बनाते हैं कॉन्सेंट लेआउट, वापस इसके नीचे हम बनाएंगे कॉन्सेंट लेआउट। देखिए यहाँ मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ आपको दिक्कत होगी समझने में, यहाँ बार बार रिफ्रेश नहीं हो सकता है क्योंकि हम कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, हम हैं तो यहाँ टेंशन नहीं लेना आपको। देखिए फिर यहाँ बनाएंगे हम नेक्स्ट स्क्रॉल व्यू, क्योंकि अगर एक से अगर हमारे पास पाँच छः, अगर हमारे पास पाँच छः रहा तो उसके अंदर में हमको स्क्रॉल व्यू कंपलसरी है, तो यहाँ स्क्रॉल बनाया और उसके बाद यहाँ उसके नीचे लेंगे, उसके अंदर लेंगे हम लीनियर लेआउट, लीनियर लेआउट यहाँ ले लिया और इस स्क्रॉल व्यू के अंदर में यहाँ लीनियर लेआउट लेंगे, उसके बाद
इसको ऐड करेंगे और यहाँ लेंगे एक कार्ड व्यू। कार्ड व्यू जो है, कार्ड व्यू में इसलिए लिए ताकि हमको नीचे बनाना है कंटेंट लेआउट, तो उसके लिए पहले हमको कार्ड व्यू बनाना पड़ेगा। तो कार्ड व्यू को पहले यहाँ से राइट क्लिक, न्यू ड्रॉपर रिसोर्स फाइल, पेस्ट कार्ड व्यू नाम का, और चलते हैं वेबसाइट पर। इसका जो कोड है, कोड यहाँ ले लिया, वापस सेलेक्ट ऑल करेंगे, यहाँ से पेस्ट कर दिया, इसका काम ख़त्म। इसको कट कर दिया यहाँ से, थीम का भी काम ख़त्म हो गया है। आप देखिए, अब इसके अंदर में यहाँ हमने बनाया कार्ड भी बना दिया। अब इसके अंदर में लेंगे कंटेंट लेआउट, और इस कंटेंट लेआउट में हम लोग कार्ड भी यूज किए हुए हैं, इसलिए हमने कार्ड व्यू को पहले बनाया था। तो यहाँ से डायरेक्टली इसके अंदर में लेंगे हम कार्ड व्यू। जैसे ही लेंगे कार्ड, देखिए यहाँ एक आ जाएगा आपका टाइप का, यहाँ सिस्टम शो कर देगा इसका, तो इसको आपको ध्यान देना है। और यहाँ शो करने के बाद आपको आना है वापस वेबसाइट पर। इसके अंदर में आपको फिर लेना है टैक्स व्यू, कार्ड व्यू के अंदर लेना है आपको टैक्स व्यू, ठीक है, कंटेंट लेआउट के अंदर में। तो टैक्स लिया, और टैक्स लेने के बाद आपको आते हैं वेबसाइट पर, और फिर लेना है आपको कार्ड व्यू, क्योंकि ये बटन को शो करवाएगा कार्ड व्यू, इसलिए हम यहाँ बटन ले रहे हैं। तो इसके नीचे लेना है हमको, अगर आपको कोई भी तरह की दिक्कत हो रही है इस वीडियो में, तो आप वीडियो को स्लो मोशन में देखें, मैं आपको थोड़ा सा टाइम कम के लिए आपको मैं बता रहा हूँ फास्ट में। और फिर उसके नीचे लेंगे हम कंटेंट, दे हमने अभी लिया कार्ड व्यू, उसके अंदर लेंगे कंटेंट लेआउट। इसके अंदर में हम लेंगे कंटेंट लेआउट, ठीक है, यहाँ हमने कंटेंट लेआउट ले लिया। अब जाते हैं वेबसाइट पर, अब हमको शो करवाना है कि कॉल नाउ का सिस्टम, यहाँ कॉपी कर लिया और आ गया अपना प्रोजेक्ट में, और इसके नीचे पेस्ट कर दिया। देखिए जैसे हमने यहाँ पेस्ट किया, हमारे पास एक और एरर, यहाँ एरर आ जाएगा इस टेक्स्ट व्यू का फॉन्ट फैमिली में, क्योंकि इसका फॉन्ट फैमिली अलाटा लिए हुए हैं। तो यहाँ क्लिक किया सेम सिस्टम एट्रीब्यूट पर, और आते हैं मोर फॉन्ट पर, अलाटा था इसका नाम, ओके क्लिक कर दिया अलाटा पर सेलेक्ट करके। और देखिए हमारा जो सिस्टम जो है, जो है बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड हमने इसको बना लिया। अब आपको मैच करवाता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है कॉलिंग सिस्टम ट्यूटोरियल, हमारे वेबसाइट पर जो लिखा हुआ है कॉल बटन डेमो, बट टोटली चीज़ सेम है। देखिए ये जो यहाँ दिख रहा है आपको स्क्रीनशॉट, और ये जो दिख रहा है हमारे पास टू कॉपी सेम है। अब क्या करना है हमको, इसका डालना है जावा फंक्शन। तो उसके लिए यहाँ देखिए नीचे लिखा दिया हुआ है पेज 1, पेज 1 में आपको मिलेगा एक्सएमएल का, पेज 2 मिलेगा जावा का। तो यहाँ पेज 2 क्लिक करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद पेज 2 क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया पेज फिर से खुल जाएगा, जहाँ आपको जावा का ये कोड, देखिए हम इस वीडियो में आपको मैं सिर्फ एक बटन पर क्लिक करवा रहा हूँ, इसीलिए हम सिर्फ कार्ड व्यू से इसको ऑपरेट कर पा रहे हैं। बट जैसे जैसे हम अब इसमें बटन का सिस्टम बढ़ाएंगे, और बटन से फिर लेआउट सिस्टम बढ़ाएंगे, उस तरह इसका वर्किंग सिस्टम भी अलग हो जाएगा। तो यहाँ हमारा काम हो गया है, आते हैं यहाँ मेन एक्टिव में, और इसके अंदर में अभी जो हमने कॉपी किया था जावा कोड, इसको पेस्ट करते हैं। कुछ नहीं, देखिए यहाँ खाली आपको अल्ट एंटर क्लिक कर देना है, उसके बाद इंटेंट पर भी यहाँ अल्ट एंटर क्लिक करना है, उसके बाद URI पर भी अल्ट एंटर क्लिक करना है, और हमारा जो सिस्टम है यहाँ बन के रेडी हो गया। कोई तरह का परमिशन नहीं चाहिए इस ऐप में, क्योंकि हम इस ऐप के थ्रू डायरेक्ट कॉल सिस्टम में भेज दे रहे हैं, इसीलिए हमारा ये ऐप जो है परमिशन फ्री है, जिससे हमारा गूगल प्ले कंसोल इसमें कोई तरह का अड़चन डाल नहीं सकता है। और इतना होने के बाद आपके सामने देखिए, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ हमारा इसका स्क्रीन का जो लेआउट है, मतलब कि हमारा मोबाइल का स्क्रीन। अब डायरेक्टली यहाँ मैं रन करता हूँ, और आपके सामने मैं दिखाने वाला हूँ कैसे ये वर्क करता है। देखिए यहाँ ग्रेडल फिनिश में इसका रनिंग शुरू हो गया है। अब यहाँ इस स्क्रीन पर देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है, जो अभी हमने इस वीडियो में बनाया सीखा, क्या वाकई में ये वर्क कर रहा है या फिर हमारा कोड गलत है, क्या गलत है, कंप्लीट आपको इसी वीडियो में आपका टोटली प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाएगा, उसका आउटपुट मिल रहा है यहाँ, ताकि आपको कोई तरह का टेंशन ना हो। तो जब तक हमारा ये जो फिनिश इसका ग्रेडल फिनिश नहीं होता है, तब तक हमको वेट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में देखिए जब हमने बनाया था प्रोजेक्ट, उस टाइम भी हमने वेट किया था, अब ये ग्रेडल हो रहा है और ये आउटपुट दे रहा है, तो इस टाइम में भी हमको वेट करना पड़ेगा, तो ही हमारा काम जो है सक्सेस हो पाएगा। हमारा काम जो स्पेशली है आपको कम टाइम में बेहतर नॉलेज देने का है। और अगर आप न्यू यूजर्स हैं, न्यू व्यूअर हैं हमारे यूट्यूब चैनल के लिए, अगर आप ऐड के माध्यम से हमारे पास पहुँचे हैं, तो मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि आप हमारे कोड को कॉपी एंड पेस्ट करके ही काम कीजिए, ताकि आपके पास
टाइम की बचत हो और साथ ही साथ आपके पास नॉलेज की भरमार हो। तो वेट करते हैं जब तक हमारा ये जो हमारा प्रोजेक्ट है फिनिश नहीं होता है। देखिए हमने जो बनाया है प्रोजेक्ट उसका लॉन्चिंग हमारे मोबाइल ऐप में रियल डिवाइस में फिजिकल डिवाइस में हो रहा है। आपके सामने यहाँ दिख रहा है डिवाइस, ये जो डिवाइस दिख रहा है आपके सामने यहीं लॉन्च करेगा। ये रियल डिवाइस है जहाँ लॉन्च करने वाला है। हमने कोड में अगर कोई तरह गलती नहीं की होंगे तो हमारा ये प्रोजेक्ट है डायरेक्टली मोबाइल में लॉन्च कर जाएगा। अगर कहीं गलती हुई होगी या फिर हमारा कोड कहीं गलत हुआ होगा तो हमारा एरर लॉन्च नहीं करे। देखिए हमारा जो मोबाइल है यहाँ लॉन्च कर गया और आपको मैं दिखाता हूँ क्लियर। ये थोड़ा हमारा जो सिस्टम जो है मोबाइल का स्क्रीन जो है थोड़ा सा धुंधला हो गया, पहले इसको मैं क्लियर करता हूँ, उसके बाद मैं आपको तुरंत 2 मिनट में मिलता हूँ। देखिए हमने फिर से आपके लिए यहाँ रिफ्रेश कर दिया हमारा मोबाइल स्क्रीन को और ये देखिए हमारे पास ये हमारा जो स्क्रीन है मोबाइल का है रियल डिवाइस का है फिजिकल डिवाइस का है, सिर्फ इसको स्क्रीन शेयर किया गया है। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ कॉल ना पर, देखिए ऑटोमेटिक जो हमारा ये मोबाइल है टोटली कॉल पर भेज देगा यहाँ, और यहाँ क्लिक करूँगा कॉल पर तो उसके बाद देखिए कॉल हो जाएगा। तो इस तरह का हमको कॉल सिस्टम बनाना है जो कि परमिशन भी ना मांगे और हमारा काम भी हो जाए। तो चलिए इस तरह का आपने देख लिया, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि एक लेआउट में मल्टीपल कॉल लोग को बनाकर कैसे उसको यूज़ करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।